नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कहानी हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं आप भी दहल जाएंगे इस कहानी को सुनकर। ये महिला जो हमारे साथ, दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं, आप देखिए, बताना चाहेंगे आपको, ये खोड़ सलारिया एरिया के हैं, पुलिस स्टेशन जो कि रामगढ़ और डिस्ट्रिक्ट सांबा पड़ता है। किस बेदर्दी ने मारा है इन्हें, किस बेदर्दी तरीके से मारा है, आप जो ज़ख्म देख रहे हैं, आप इस महिला की हालत देख रहे हैं, और यहाँ पर अस्पताल में जब गए थे, डॉक्टर ने ये कहा कि आप बाहर चंडीगढ़ इलाज के लिए जाइए, और ये महिला कह रही मैं नहीं बचूंगी, ये चलने की हालत में नहीं थे, पता नहीं किस तरह से ये गिरते ढहते यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि इनको वो सच सामने लाना था, जो सच शायद कहीं छुपाने का प्रयास किया जा रहा है या दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो हम करते हैं, पर आज भी समाज में बेटियों के साथ, बहनों के साथ, माताओं के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, उनके साथ क्रूरता हो रही है, क्योंकि बल वाले लोग हमेशा गरीबों पर भारी पड़ जाते हैं, उनका बल हमेशा गरीबों पर भारी पड़ जाता है। मसला क्या है, इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे, साथ में हमारे समाज सेवी सुनीता जी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। पहले सबसे पहले इनसे जानेंगे। आंटी जी तुस रो नहीं है, तुस ठीक हो जाओगे, इन्नी बुरी हालत थोड़ी हुई थी, तुसे बुरी हालत है, किन्ने कितनी बुरी गल दसो मैं। पाँच आदमियों ने हो, चेयरमैन है होर, तिलक है होर, तिलक का मुड़ा है, चेयरमैन का मुड़ा है, एक बंदा होर है उसके साथ में, ऐसे पहचान नहीं। चेयरमैन का नाम क्या, चेयरमैन का तो चेयरमैन का नाम पता ना, फिर चेयरमैन वो उस पर लिखा है जी जी, इसके ऊपर लिखा है जी। अच्छा क्यों मारे है, दसो तुसे की मारे है, दसो ना डोगरी च गल करो, तुसे की मारे वो है? पता है क्या आखदा, वो तुस इसको जगह मेरी है, ये थवाड़ी नहीं है, उसे जगह दी इशू है, हाँ। तो जगह कुछ थवाड़ी है अपनी है, जगह मैं खुद कर गया पहले आई है, खुद खरीदी थी, हाँ मैं खरीदी है, कमरा पा उधर मैं एक बाथरूम पा उसको जी। मैं बाहर में चार दीवारी करे कि मिस्त्री लगाए मैं, तो इतने चिर है वो पांच आदमी आ गए, तो बड़ा बुरा हाल साथ में मारा है, किधर किधर करने मारा, मतलब वो दो इट लाई है, वो दो इट साथ में मारा है, इट साथ में मारा है, उपरा फेंका है थले में, सर इधर मारी है इट दी मुझको इधर। तानू कोई छुड़ाने वास्ते नहीं आया आंटी, हां छुड़ाने के लिए कोई नहीं आया, कोई नहीं आया है मुझको छड़काने, कोई ना आएगा, तीन चार बारी इन्हें पहले भी वो हमला किया है साढ़े ऊपर, पुलिस ने तो कंप्लेन दी थी, हाँ सब कुछ किया है पुलिस ने, कोई कुछ कार्रवाई नहीं की है, इधर जम्मू तो आए हूँ अस बड़े बड़े अफसर है पास भी आए जी, कुछ ने कुछ ना किया है, वो चेयरमैन ने नहीं करना देगा कुछ भी कुछ, वो सब नहीं। अंकल जी थोड़ा के नाम, सुंदर सिंह, तुझे मारे था काला बताता उसको, काला बताता है जी जी। पार्टी का चेयरमैन है पता नहीं इसका है, बीजेपी का, बीजेपी का पार्टी का है, किस पार्टी का है जी जी। क्यों मारे, क्यों पूरी गल दसो ना, उसने चार दीवारी कर दी उधर, वो किठा गया तो वो किठा आके कहते आपको खत्म करना, जो दो बंदे उन खत्म करना था जी जी। फिर जिससे हमने जगह खरीदी भी है जी जी, तो वो बाद में आई, फिर वो बाद में आई, तो इनको सिद्ध जल्द जल्द दिलाओ, क्योंकि पुलिस रामगढ़ थाने में गए हम, फिर उधर एसएसपी के पास गए हम, बड़े बड़े अफसर है पास में, ते क्या आख्या उन्होंने, कोई कार्रवाई नहीं की थी, कोई कार्रवाई नहीं, कोई नहीं। फिर लास्ट में मैंने आईजी वास्ते मतलब रजिस्ट्रेशन कराई, रजिस्ट्रेशन कराई, आईजी ने फिर रिपोर्ट भेजी डीएसपी के पास, डीएसपी के डीएसपी ने बुलाया, फिर उसके पास गया, क्या डीएसपी बोलता है ठीक है हम करेंगे, उसने भी कुछ नहीं कराया, पुलिस कुछ नहीं करती, सिर्फ वो चेयरमैन के अंडर है तमाम पुलिस, खवाई पुलिस है, चोर पुलिस है। डॉक्टर ने क्या कहा तनु जी, अस्पताल गए डॉक्टर ने कहा तो कुछ तेरा मंदा हाल हो गया, तो किसकी मारी तुम है ऐसे ऐसे, तो फिर उसने आखा है वो इधर इलाज नहीं चलेगा, शुक्रवार में तो उसे इधर आ जाओ, तो फिर इधर चेक करेंगे, तो फिर चंडीगढ़ में जाओ। अच्छा
सुनीता जी हमारे साथ हैं, बड़ी अफसोस और शर्म की बात है। चलिए जी, जी। खाना कुछ नहीं है, कल का परसों खाया असें, और साढ़े पास पैसा दिला कुछ नहीं, जो है असें कमा दा मजदूरी कर करके, दो असें मिस्त्री दे दिया, वो जी साड़ी दुआर चाड़ेगा उसको दे, 10,000 की एटल जाएगी, साढ़े पास कुछ पैसा, तुम्हारे बच्चे बच्चे कोई नहीं, बच्चे एक मेरा गुरबती है मार गए, दो हैं उधर कुछ तो हार में, कदू मार गए वो, 6 साल हो गए, मैं दुखी हो गया, ये इधर मैं जगह खरीद, नहीं 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 आप नहीं परेशान हो, हम आपकी मदद करेंगे, हम करेंगे आपकी मदद, आपकी सुनवाई भी होगी, जरूर होगी सुनवाई, ठीक है मैं करेगी, मैं बाहर जाएगी ना, मुझको कुछ ना, मुझको मेरे बच्चे वास्ते जगह तो आएगी इधर, मैं अपने बच्चे लाएगी इधर, गुरबती मारी गई उन्हें, मैं बड़ी दुखी होगी, मैं बच्चे इधर ले, पैसा दिया था आपने, हाँ पैसे दे के लाख, 10 लाख दिया है, मैं गवर्नमेंट की जगह है, इसने जनानियों ने धोखा किया है मेरे पास, जनानी मराएगी ऐसे, हमारे भी आंखों में आंसू समय है, एक बेटा कहीं ना कहीं आतंकियों ने मार दिया, और ये इस पूरी जमा पूंजी जो मैं उसका फोटो अपने पास रखा इधर, चलिए सुनीता जी से जानते हैं, सुनीता जी कोई नहीं हम आपकी मदद करेंगे, जहाँ तक भी हो सके हम करेंगे। सुनीता जी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये जो हालात हैं इनके, आज अफसोस हो रहा है, और किसे पास पैसे मंगे हैं तो उस विला से टेम्पो वाले दे हैं, तो इधर बुझे हुआ टेम्पो वाले 300 रुपया लिया, तो इधर बुझे आज किसे पास लाया से 500 रुपया मांग के लिया, कल जम्मू में पहुंचे हैं, मांग कर ये पहुंचे हैं आज, अपना कहीं ना कहीं रात को अस्पताल वाली गड्डी लाई असें, तो फिर असें खाना पीना कुछ ना असें रात को मिला कुछ, दो भुखे पाने पे, तो फिर डॉक्टर आखते हाँ बस तुसें छुट्टी दे ही है, तो जाओ, किसी ने डॉक्टर भी ऐसे सही ना देखा है, मुझको सही ना देखा है उन्हें भी। चलिए सुनीता जी से पूछते, सुनीता जी मामला आपको भी सारा पता है, ये बेचारे इस समय इतने बदहाल हैं कि हमें बड़ी अफसोस और शर्म हो रही है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो अपना रसूख गरीबों पर अपना लाते हैं, पूरी बात क्या आप भी बताएं। मैं आपको बताऊं रेशमी जी, मैं मेडिकल कॉलेज गई हॉस्पिटल जी, तो वहाँ देखा ये बड़ी जोर जोर से चिल्ला रही थी, ये अपने दर्द से चिल्ला रही थी, पूछा मैंने जब इनकी दास्तां तो इन्होंने सुनाई, फिर इनके एरिया में मैंने कुछ लोगों को हमारे समाज सेवी के वहाँ उनको कॉल किया, उन्होंने कन्फर्म करके मुझे बताया कि हाँ ये मामला हुआ है, तो मुझे एक बड़ा एक आश्चर्य हुआ कि हमारे मोदी साहब ने बहुत कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन जो उनके आगे पाले हुए ये गुंडागर्दी है, जो इन्होंने मेंबरों ने गुंडागर्दी मचाई है, ये डीडीसी के चेयरमैन है, बीडीसी के चेयरमैन है, ये बीजेपी का है ये, लेकिन मैं हैरान हूँ जब उनका नाम बीच में आया तो क्या ये बीजेपी कर रही है, मैं तो मेरा तो एक मेन सवाल है कि बीजेपी ये गुंडागर्दी से आवाज़ नहीं आएगी, हमारे मोदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने आगे ये चमचे हैं उनके, वो मोदी जी का नाम भी मिट्टी में मिला रहे हैं, तो पुलिस जो डिपार्टमेंट है, एसएसपी साहब को मैंने 2 बार कॉल किया, लेकिन अच्छा काम करे बेनाम दोस्त सर तो बड़ा अच्छा काम, लेकिन मैंने 2 बार कॉल किया, उन्होंने कॉल पिक नहीं किया, एसएचओ साहब का नंबर नहीं था, फिर मैंने नंबर लिया, उनको भी कॉल किया, लेकिन पुलिस उनके कहीं ना कहीं उनके दबाव के नीचे है, ये कह रहे हैं कि काउंटर पर्चा, मुझे जब वहाँ से कंफर्म हुआ, एक मैडम मैंने भेजी वहाँ पुलिस स्टेशन में, हमारी एक समाज सेविका है अनीता, वो उसने कहा कि ये कह रहे काउंटर पर्चा, इनके साथ तो नहीं है, ये बाहर के परदेसी आए हैं यहाँ पे, अगर परदेस का कोई हमारे समाज में आ रहा है तो वो हमारा एक मेहमान है, और जब इसकी दास्तां सुनी कि इसके बच्चे के साथ भी 25 साल के बच्चे को भी आतंकवाद के हमले में ये मारा गया बच्चा, वो वहाँ से अपनी जान छुड़ा के अपने बच्चों के लिए, यहाँ पे अगर किसी ने इसके साथ इनके साथ धोखा किया, वो गवर्नमेंट की जगह किसकी भी जगह वो कानून बैठा देखने के लिए, लेकिन ये चेयरमैन साहब को जो मैं
बड़े दुख के साथ एक मैसेज देना चाहूंगी कि इनको क्या प्रॉब्लम थी। अगर ये गवर्नमेंट की जगह बैठे हैं तो गवर्नमेंट का सरकार ने देखना है, ये मारना घर में मारना पीटना, और वो भी एक औरत के साथ। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको हिरासत में लिया जाए ताकि वो दूसरी बार किसी औरत पे हाथ ना उठाए। बिल्कुल बिल्कुल। और गरीब तबके को दबाने की कोशिश ना करे, ये मत सोचो हम समाज सेवक हैं। अगर किसी भी गरीब के साथ कुछ गलत होगा, मैं खुद इनको यहाँ पे लेके आई हूँ, मेडिकल कॉलेज से यहाँ तक मैं ले आई हूँ। इन्होंने जैसे आपको ये दास्तान सुनाई कि हमारे पास पैसा नहीं था, किसी से मांग के हॉस्पिटल तक पहुँचे, कैसे पहुँचे, और रात का इन्होंने खाना भी नहीं खाया। मैंने कहा पहले तो आप चलो, मैं इनकी सपोर्ट करूंगी, जहां तक भी जाए कानून के दायरे में भी रह के भी मैं इनकी सपोर्ट करूंगी। मैं देखती हूं कि ये उस चेयरमैन की कितनी पावर है। बिल्कुल, हम भी उनसे बात करते हैं चेयरमैन साहब से कि क्या किस संदर्भ में। मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगी कि गरीब तबके को जहां भी देखो गरीब तबका बैठता है, वहां पे जो ये पावर वाले जो लोग हैं ये गरीब तबके को दबाते हैं, उनके साथ ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। और मोदी साहब को भी एक रिक्वेस्ट करूंगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ही आपके सामने ये औरत है, तो इनके साथ देखो छोटी बच्चियों के साथ औरतों के साथ क्या हो रहा है। और मैं ये निवेदन करूंगी कि प्लीज सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ, जिन्होंने इस पे एक औरत पे हाथ उठाया है। जय हिंद जय भारत। चलिए कोशिश करते हैं रामगढ़ जो SHO उनसे भी बात करते हैं कि आखिर केस कहां तक पहुंचा। प्रश्न करा पिते दा मुझको पत्री जी। और मैं मुझको इतनी हिट दी बजी तो मैं इतनी द्वार ऊपर ना की गिर गई शोभा देवी। चलिए SHO रामगढ़ से बात करने की कोशिश करते हैं, शायद इनका नाम अमित सांगड़ा है, इनसे जानते। हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, अमित सांगड़ा सर बोल रहे हैं। जी जी। सर रामगढ़ SHO ना, मैं रश्मि शर्मा बोल रही हूँ, जर्नलिस्ट दैनिक शिफ्ट टाइम से। जी सर, ये शोभा देवी के केस में जिन्होंने जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि BDC के द्वारा इनके घर में आकर 4-5 लोगों ने बुरी तरह से इनकी पिटाई की है, तो इस केस में क्या आगे डेवलपमेंट हुई है सर? मैम इसमें हमने FIR लगाई हुई है, आइए हमारा मुखिया भी गया स्पॉट पे वेरीफाई कर रहा है कि क्या हुआ एक्चुअली, क्या बात। जी जी, तो इनकी हालत तो बड़ी बड़ी बुरी हालत है, इनकी तो बुरी कंडीशन है इसमें लेडी की। हाँ मैडम, वो तो आप डॉक्टर देखेगा ना उसको, वो तो हम नहीं, वो डॉक्टर तो हम देखे, उनको निशान पड़े हैं सर, उनके हस्बैंड को मारने के निशान पड़े हैं शरीर पर पूरी तरह से। सब कुछ मैडम वो आप डॉक्टर फाइनल रिपोर्ट देगा ना उसको। ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको काउंटर पर्चा लगाने की वो कर रहे हैं कि काउंटर पर्चा लगेगा तभी कार्रवाई हो। मैडम काउंटर ऐसा कुछ, इनका पर्चा हमने दे दिया हुआ है, जो चेयरमैन की होंठ में लगे उसका होंठ फटा पानी वो भी अस्पताल में लेटा हुआ है। हम उसमें FIR इज नॉट ए कोई ये BDC चेयरमैन है ना सर? जी BDC चेयरमैन, मतलब अभी उसके होंठ में लगी हुई है। जी जी। अच्छा, मेडिकल करवाया आपने इनका? मेडिकल करवाया ना आपने? आप कह रहे थे ना हमने भेजा है बंदा, भेजा अपना, तो आई हो गया था तो देख के आया, लेकिन अब जहाँ पे झगड़ा हुआ वो तो यही बताएगा ना, जो मौके में होता है वही बताएगा ना, मौके में बिल्कुल मौके की हालत ही खराब है, वो तो खड़े भी नहीं हो रही, डॉक्टर ने कहा कि आप बाहर हस्बैंड हाँ जी जी उसको छोड़े कहाँ, चलो कोई नहीं, कोशिश करते हैं वहाँ आपके पास पहुँचाने के लिए, तो कोशिश आई होप कि आप निष्पक्षता से इसकी जाँच करेंगे, क्योंकि ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हम प्रयास करते हैं दर्शन सिंह गाला जी से बात करने की, जो BDC चेयरमैन हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है। चलिए, हमारा काम है कि दोनों पक्ष की बात करना, ये देखिए करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। दर्शन सिंह जी का नंबर जो है स्विच ऑफ आ रहा, पर जो व्यथा हमने इस परिवार की बताई है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, देखिए किस तरह से BDC जो चेयरमैन है जिनका नाम दर्शन सिंह काला है, जो इनके मुताबिक जो कहा गया कि उन्होंने आकर अपने 4-5 लोगों के साथ आकर इनका हमला किया और किस बेदर्दी से मारा है। और जब हमने SHO रामगढ़ से बात की है अमित सांगड़ा से, तो उन्होंने कहा नहीं, उनको भी होंठ पर लगी हुई है। अब कितनी सच्चाई है, क्या सच है, ये फिलहाल जो हमने आपके सामने इनका पक्ष रखा है, जनता खुद फैसला करे। क्या ये एक नॉर्मल मैटर था? ये बड़ा ही गंभीर समस्या थी, बड़ा ही गंभीर मैटर था।
कि हमेशा गरीबों को दबाने का प्रयास किया जाता है, गरीबों पर बल का प्रयोग किया जाता है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि कह रहे हैं कि काउंटर पर्चा भी लगता है, ये तो आजकल के दौर में ट्रेंड बन चुका है। अगर कोई गरीब अपनी आवाज़ लेकर जाता है दूसरा रसूखदार हो तो जनाब उनका भी काउंटर पर्चा लगता है, उनके साथ चाहे कुछ किस तरह के भी उनके हालात हों। ये दोनों हस्बैंड वाइफ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी फिर भी देखिए इनकी हालत नहीं उठने की। अगर इनका इनके साथ कोई इंसाफ हुआ था, इनकी सुनवाई होती, तो ये सांबा से उठकर जम्मू क्यों आते? एसएसपी जो सांबा है बेनाम तोश बड़ा ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, ड्रग माफिया पर लगाम कस रहे हैं, बवाइन स्मगली पर लगाम कस रहे हैं, पर यहाँ पर जिस तरह की चीज़ें हों उन पर भी एसएसपी सब आपके साथ आपके ऊपर उम्मीद है कि इन सारे गरीबों की भी आप आवाज़ सुनेंगे और इनके मसले में आप इंटरवीन कीजिए। सच क्या है वो सामने लाइए, जो वाकई कल्प्रिट है उन पर कम से कम शिकंजा कसी, कि जो आप पर विश्वास है जनता का वो बना रहे कि आप बराबरी से सबको देखते हैं, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो नेता मंत्री हो, चाहे आम जनता हो। चलिए हम बेनाम तोशी से भी बात करेंगे कि इस केस में आपने आप क्या संज्ञान ले रहे हैं, या आप लेंगे, या आपने लिया है, कहाँ तक ये बात पहुँची है। पर फिलहाल एसएचओ ने जो बताया है कि इनका मेडिकल हुआ है और उनका भी होंठ को लगी है। अब लगी है या नहीं लगी है ये तो सामने आए गए, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं दर्शन कुमार जी, अगर दर्शन सिंह जी अगर उनसे बात होती हमको उनको भी कहेंगे, अगर वाकई आपको चोटें आई हैं तो आप भी मीडिया में आकर अपनी बात को रख सकते हैं। फिलहाल ये परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, हमारा काम है जहां पर भी गरीब जनता को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ होंगे, उनके साथ खड़े होंगे, उनकी बात को एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस तक पहुँचाना हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य है। जनता खुद फैसला करे इस महिला के साथ, इस जो बुज़ुर्ग हैं इनके साथ जो हुआ क्या करना ये सही था। क्या लगता है आज गरीबों पर जो रसूखदारी है वो भारी पड़ रही है? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना जितना हो सके शेयर कीजिए और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।